से छलकते बेबसी के ये आंसू सरकारी सिस्टम की ही देन है। 6 साल के पोते के साथ सुनीता बीते कई सालों से सरकारी ऑफिसों के चक्कर काट रही है। गैस कनेक्शन और मकान के लिए सुनीता अधिकारियों की दहलीजों पर कई बार गुहार लगा चुकी है, लेकिन अड़ियल अधिकारियों का दिल है कि पसीजता ही नहीं। 3 साल से परेशान हो रही, कोई सुनवाई नहीं कर रहे बिल्कुल भी। गैस एजेंसी में नाम भी आ गया, जब भी निवेश कोई सुनवाई कर रहे, ना कोई मकान की सुनवाई हो रही। थक हार कर महिला ने मुजफ्फरनगर के डीएम के जरिए राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। ये लिखा है कि ज्यादा परेशान होकर फिर हम अपना यही सोच रहे कि भाई दोनों अपनी मृत्यु का सोचे, फिर मृत्यु जब वो दे दे परमिशन। अब सुनीता का बेटा और पति दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। पति और बेटे की मौत के बाद बहू और पोता ही सहारा थे, मगर बहू के घर वालों ने उसकी दूसरी शादी करा दी। रद्दी के कागज से लिफाफे बनाकर सुनीता अपने पोते का पालन पोषण करती है। अम्मा क्या काम करती है? लिफाफे का। स्कूल पढ़ते हो? अम्मा चॉकलेट लाकर देती है? कपड़े कपड़े कहाँ से लाकर देती है अम्मा? मांग के। सरकारी दफ्तरों में उम्मीद की किरण खोजती सुनीता को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकारी योजनाएं बनाई किसके लिए गई हैं, जबकि पीड़ित और जरूरतमंद इससे महरूम हैं। हालांकि जिलाधिकारी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए महिला की सभी समस्याओं को जल्द दूर करने का भरोसा दिया है।